यदि आप पढ़ाई वर्दी लेने के लिए करते हो तो आपके लिए ये वीडियो क्विज टेस्ट बहुत स्पेशल होने वाला है। नमस्कार, जीरो से जीनियस तक की इस वीडियो क्विज टेस्ट में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे 25 इम्पोर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे, तो ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से संबंधित है श्वेतांबर और दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 3, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? थोड़ा सा लॉजिकल है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई के गवर्नर। और आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो शक्तिकांत दास। 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, कोई भी नोट हो उस पे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होते हैं। सिर्फ 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स को। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित मतलब नुकसान पहुंचाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इसे शॉर्ट में सीएफसी गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने, बहुत अच्छे सवाल हैं, हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात करने के लिए बना था? यानी कि हंटर कमीशन आयोग की गठन किस लिए किया गया था? प्रश्न समझ आया कि हंटर कमीशन आयोग का गठन किस लिए किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखरेख करने के लिए। ठीक है जी। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अप्रैल 1919 में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस क्या है? हाँ, बहुत अच्छे सवाल हैं, आपके घर में होगा। आंसर सोचिए, जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं उनमें क्या भर के दिया जाता है? एक्चुअल में वे लिक्विड होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रव्य भर करके दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेहरू जी ने। नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखन किया था। क्वेश्चन नंबर 9, अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली।
क्वेश्चन नंबर 10, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिशु, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऋषि सुनक। ध्यान में रखिएगा, ऋषि सुनक को ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार डैश अनशन किए थे, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगहों को भरना है। सवाल समझ आया? एक बार फिर से सुन लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार डैश अनशन किए थे, किस टाइप के अनशन किए थे? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आमरण, मतलब ये बात मानो नहीं तो हम अपना जान दे देंगे, इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 13, आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 14, 2020 के ओलंपिक्स 2020 के ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित हुआ है? दो हजार बीस के ओलंपिक खेल जापान में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खेल परीक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, दिए हुए पीला अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द को छाटिए। अनुकूल का विपरीतार्थक मतलब एंटो कौन होगा, ये आपको बताना है। अपोजिट, तो आंसर होगा अनुकूल। अपने नावधारा चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें होता है अनुकूल प्रतिकूल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर 17, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 18, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? भी यही सवाल है, फिर से एक बार सुन लो, समय भी आपको मिल जाएगा आंसर सोचने के लिए। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संसद। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाराणसी।
उज्जैन, इलाहाबाद, अब उसका नाम है प्रयागराज, हरिद्वार, ये सभी जगह कुंभ की मेला लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21%, 21%, और सबसे अधिक नाइट्रोजन 78%, 78% फीसदी, ध्यान में रखिएगा। सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं डैश करता है। सोच लीजिए आंसर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर धुनता है, यही मुहावरा है। एक बार फिर से सुन लो। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। ओके, आगे सवाल नंबर 24 है, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पौंड। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए सवाल है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर लिखिए क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें फीडबैक जरूर दीजिए। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।